फ्लोरिडा और कैरेबियन कोस्ट के कुछ हिस्सों में आपको एक असाधारण पेड़ मिल सकता है। बाहर से यह बिल्कुल भी खास नहीं दिखता। भूरे रंग का ट्रंक, हरी पत्तियां और छोटे सेब जैसे फल। आपको जो याद रखना चाहिए वो ये है कि इन सेबों को कभी न तोड़ें और कभी भी पेड़ के बगल में न खड़े हों, खासकर अगर बारिश हो रही हो। यह मैंजनील पेड़ है जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। इसका तना, छाल, डालियां और फलों में जहरीला रस होता है। इस क्रोजिव एसिडिक लिक्विड की एक बूंद भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ज्यादा। पेड़ ये जूस सीक्रेट करता है और अगर आप गलती से इसे छू लेते हैं तो आपके हाथ जलने का खतरा हो सकता है। बारिश होने पर पानी की बूंदें पेड़ पर गिरती हैं और जहर में मिल जाती हैं। पानी छाल से उछल सकता है और आपकी स्किन पर गिर सकता है, इसलिए आपको इसके पास में भी खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ आसपास लगभग कोई दूसरी झाड़ियाँ या मशरूम नहीं उगते। जानवर इन पेड़ों से बचते हैं और लोग उन्हें काटते नहीं हैं और न ही फल तोड़ते हैं। आप उनकी टहनियों से बॉनफायर नहीं बना सकते। लकड़ी जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। वहाँ रहने वाले लोग इस पेड़ को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इससे टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स को गलती से नुकसान हो सकता है, इसलिए ज्यादातर मंचनील पेड़ों को पेंट से मार्क किया जाता है या उन पर वार्निंग साइन लगा होता है। अगले अमेजिंग पेड़ को देखने के लिए हमें पृथ्वी पर सबसे नम जगह पर जाना होगा। भारत के मैसिनराम गांव में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी यहाँ से दूर नहीं है और वहाँ का सारा मॉइस्चर कंडेंस होकर इस गांव की ओर आता है। इस वजह से गांव असल में एक बहुत बड़े वेट क्लाउड में रहता है। यहाँ बारिश शायद ही कभी रुकती है। दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने ऐसी जगह पर जीवन को अपना लिया है। वे रीड से बनी छतरियों के नीचे चलते हैं और काम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज है यहाँ के पुल। वे इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग गांव से इधर उधर जा सकें। लगातार होने वाली बारिश के कारण यहाँ सामान्य पुल और सड़कें बनाना मुमकिन नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल को जमने का समय ही नहीं मिलता। पानी उन्हें घोल कर कीचड़ बना देता है। किस्मत से उस एरिया में बहुत रिच वेजिटेशन है, जैसे कि इंडियन रबर ट्रीज। इनकी मजबूत जड़ें जमीन के अंदर नहीं बल्कि सरफेस पर उगती हैं। स्पेशल फ्रेम और फास्टनेस की मदद से लोगों ने इनकी जड़ों को कैसे बढ़ना है इस पर कंट्रोल कर लिया है। मान लीजिए कि एक पेड़ एक छोटे से गड्ढे के बगल में है। आपको इस गड्ढे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का एक पुल बनाना है। आप बढ़ते हुए पेड़ की जड़ों को जरूरी डायरेक्शन में भेजते हैं। समय के साथ जड़ें जमीन में चली जाती हैं और कभी न रुकने वाली बारिश में मजबूत हो जाती हैं। एक पुल को बनने में करीब 15 साल लगते हैं। दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में से एक साउथ ईस्ट एशिया में गर्म रेन फॉरेस्ट में उगता है। रंगीन पत्तों वाले दूसरे पेड़ों के बजाय इसमें एक रंगीन चमकीला तना होता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेड़ पर अलग अलग रंग बिखेर दिए हों। रंग जैसे डामर पर पेट्रोल की बूंदों की तरह झिलमिलाते हैं। पैटर्न इतना सुंदर और चमकीला है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि नेचर ने ऐसा किया है। पेड़ को रेनबो यूकलिप्टस कहा जाता है। साल के समय के आधार पर इसके तने के रंग लगातार बदलते रहते हैं। सबसे पहले वो ज्यादा चमकीले हरे रंग के होते हैं, फिर वो लाल, नारंगी और बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। आखिरी रंग भूरा होता है। फिर ये कलरफुल साइकिल खुद को दोहराती है। अगला पेड़ अमेरिका में है। इसे ढूंढने के लिए आपको वॉशन हाईवे पर ड्राइव करना होगा। ये रोड घने जंगल से घिरी हुई है। तब तक चलते रहें जब तक आपको एक बस स्टॉप दिखाई न दे। फिर समय है जंगल में अपना रास्ता बनाने का। झाड़ियां, धूल, शाखाएं, चिड़ियों के गीत और बस आप एक बहुत ही सामान्य पेड़ को नोटिस करते हैं। आपके आसपास ऐसे सैकड़ों पेड़ हैं, लेकिन ऊपर देखें और आप जान जाएंगे कि यह इतना यूनिक क्यों है। इस पेड़ के तने में एक लाल रंग की जंग लगी हुई साइकिल फंसी हुई है। ऐसा लगता है कि यह सच में पेड़ में उगी हो। एक पहिया और एक हैंडल बार अभी भी दिखाई देते हैं, जबकि बाकी सब कुछ पेड़ ने निगल लिया है। अब साइकिल जंगल के हिस्से की तरह दिखती है। 50 साल से भी ज्यादा से यह पेड़ यूं ही बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत सन 1954 में हुई थी। एक लड़के को यह साइकिल मिली, लेकिन पतले टायरों और अनकंफर्टेबल हैंडल बार के कारण वो इस गिफ्ट से ज्यादा खुश नहीं था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए लड़का जंगल में साइकिल भूल गया। उसने बस उसे एक नए पेड़ के सहारे छोड़ दिया और घर चला गया। पेड़ बढ़ता गया और कुछ समय बाद साइकिल उसका हिस्सा बन गई।
दुनिया के सबसे बड़े पेड़ रेडवुड हैं और उनमें से एक जायंट सिकोया उन सभी में सबसे बड़ा है। यह कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क में है। पेड़ को जनरल शर्मन कहा जाता है और यह 2000 साल से ज्यादा पुराना है। इस पेड़ का वॉल्यूम 52,500 क्यूबिक फीट है, जो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के साइज का लगभग आधा है। कई बेडरूम्स, बाथरूम्स और एक बड़े लिविंग रूम वाला एक घर आसानी से इस पेड़ के अंदर फिट हो जाएगा। अपनी इस उम्र के बावजूद जनरल शर्मन सबसे पुराना पेड़ नहीं है। इस पार्क में 3000 साल से भी ज्यादा पुराने रेडवुड हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ भी कैलिफोर्निया में है। यह भी सिकोया फैमिली से जुड़ा है। इसे हाइपेरियन कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 115 मीटर है, जो कि आईफिल टावर की ऊंचाई का एक तिहाई है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन है। यह लगभग 5000 साल पुराना है। यह एंशियंट इजिप्ट और एंशियंट ग्रीस के समय से बढ़ रहा था, लेकिन इस पेड़ को बहुत कम लोगों ने देखा है। शायद इसी वजह से यह आज तक सर्वाइव कर सका है। यह पेड़ हार्श कंडीशंस में रहता है। यह हजारों सालों से तेज ठंडी हवाओं की चपेट में है, लेकिन इससे इसकी लकड़ी और भी ड्यूरेबल बन गई है। साथ ही खराब मौसम की वजह से पेड़ बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, जिसने इसकी उम्र लंबी करने में मदद की है। स्लो ग्रोथ और डेंस वुड की वजह से अब इस पाइन को कीड़े मकौड़े, फंगस, सड़न और इरोजन से फर्क नहीं पड़ता, और ब्रिसलकोन पाइन के आसपास पेड़ पौधों की कमी इसे जंगल की आग से भी बचाती है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन लोगों से छिपा कर रखा गया है, ताकि कोई भी इस पेड़ को नुकसान न पहुंचा सके। वैसे हमारे प्लेनेट पर लगभग 385 मिलियन साल पहले पेड़ दिखाई दिए थे। उनमें से कुछ जो खुद को क्लोन करते हैं अभी भी कॉलोनीज में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पुराने पेड़ की जगह एक नया उगाता है और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा होता है। आजकल ऐसे पेड़ हैं जिनकी फैमिली लाइन डायनासोर्स के समय में शुरू हुई थी। ये पेड़ ऐसे दिखते हैं मानो इन्हें जमीन में काट कर उल्टा कर दिया गया हो और फिर से लगा दिया गया हो। बाओबाब दक्षिणी अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में सबसे खूबसूरत पेड़ों में से एक है। उनकी शाखाएं इस तरह अजीबोगरीब तरीके से बढ़ती हैं, क्योंकि वे पेड़ के चौड़े घेरे के लिए बहुत पतली होती हैं। इन पेड़ों की ट्रंक स्पॉन्ज जैसे हैं। बरसात के मौसम में वे एक्सपैंड होकर नमी को सोख लेते हैं। सूखे के दौरान हाथी इस मॉइस्चर को पीते हैं। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए पेड़ के कुछ हिस्सों को तोड़ देते हैं। रात में बाओबाब पर फूल खिलते हैं। उनकी गंध खट्टे दूध की तरह होती है और चमगादड़ों को अपनी तरफ खींचती है। ये पेड़ एक बॉटल जैसा दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे बॉटल ट्री कहा जाता है। यह नामीबिया में होता है और बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इस पेड़ के बहुत करीब न जाएं, क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे खतरनाक पेड़ों में से एक है। इसके तने के अंदर मिल्की जूस बहता है। यह इंसानी शरीर के लिए बहुत जहरीला होता है। इसकी अच्छी बात यह है कि इन पेड़ों में लाल कोर वाले खूबसूरत गुलाबी सफेद पत्ते होते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसे कभी जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बुआ प्रिजन ट्री के अंदर अपराधियों के लिए एक सेल काफी समय तक मौजूद था। लोगों को आमतौर पर केवल एक रात के लिए वहां रखा जाता था। इसके बाद उन्हें उनके फाइनल डेस्टिनेशन पर ले जाया जाता। इस जेल को 1500 से ज्यादा साल पहले बनाया गया था और यह आज तक पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। यहां आने वाले टूरिस्ट अंदर झांक कर देख सकते हैं। दुनिया के सबसे कमाल के पेड़ों में से एक को द ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। यह बहराइन के रेगिस्तान में है। ये पेड़ मीलो रेत से घिरी इस रेतीली पहाड़ी की चोटी पर 400 से ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ बहुत गर्मी है और कोई मॉइस्चर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पेड़ में हरे पत्ते होते हैं और यह लगातार बढ़ता रहता है। अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि पेड़ को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। आसपास केवल वही जगह है जहाँ ऑयल डिपॉजिट्स हैं। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि ये एक पवित्र पेड़ है। आखिरकार यह जीवन के जादू और नेचर की ताकत को दिखाता है। कुछ वैज्ञानिकों को यकीन है कि यह सब इसकी जड़ों के कारण है। यह इतनी गहराई तक जाती होंगी कि पानी के किसी अंडरग्राउंड सोर्स तक पहुंच जाती होंगी।